वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइट एजुकेशन पे डेली करंट अफेयर में। आज हम देखेंगे 25 जनवरी के ये करंट अफेयर जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज सुबह के 6 बजे ये करंट अफेयर आपको पब्लिश कर दिया जाता है और इसका PDF आप वाइट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं वीडियो खत्म होने के बाद। तो जाके वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ साथ हर क्वेश्चन का आंसर आप भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ कुछ डिस्क्रिप्शन भी होते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको आज के पहले प्रश्न पे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल पे जाएं, तो सब्सक्राइब के रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों यहाँ पे सुबह को 10 बजे ये वीडियो अपलोड किया जाता है जनरल साइंस का। इस वीडियो को देखें जरूर, इस ये क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आने वाले एग्जाम के लिए भी, ठीक है। ये कल भी एक वीडियो दिया जा चुका है इसका, और शाम को 7 बजे आपको एक वीडियो दी जाती है जिसमें कि GK की क्लासेस दी जाती है जनरल नॉलेज की। तो ये वीडियो भी जरूर देखें, आप लोग अटेंड करें, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्या कहता है यहाँ पे दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पे आप भी उत्तर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। हर साल जो बालिका दिवस है दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर क्या करना है आपको, 24 जनवरी को हर साल ये मनाया जाता है, क्योंकि ये जो दिवस है ये 24 जनवरी को देश भर में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, मेन है थीम जो है इसका क्या है, इस देश है कि लड़कियों को हर लिहाज से अधिक सहायता और सुविधा प्रदान करना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बता दें कि राष्ट्रीय बालिका दिवस एक अन्य उद्देश्य लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर भी जागरूक करना लोगों को। और ये इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो ये हुई थी दोस्तों 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, महिला और बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये याद रखिएगा, स्टार्टिंग जो ईयर था इसका 2008 था। कौन कौन से, किसके जरिए शुरू किया गया था, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया और भारत सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। हर साल इसे 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पे, ताकि बच्चियों को लेकर जो जन्म के समय भेदभाव होते हैं, लिंगानुपात की कमी होती है, उसको लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना, इसीलिए बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है। चलिए आंसर करिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे, बिल्कुल अगर आपके उत्तर आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ए 49, जी हाँ नोट कर लीजिए, 49 ऐसे बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। किससे, तो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020 से। ये सम्मानित कौन करेगा, तो भारत के राष्ट्रपति करेंगे, रामनाथ कोविंद, ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दास मोदी, ये उनके बिहाफ में बाल पुरस्कार 2020 सम्मानित किया जा रहा है उन बच्चों को, जो कि यहाँ पे कुल 49 इनकी संख्या है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए रिलेट होता है, क्योंकि ये जनवरी में ही अवार्ड दिए जाना है इसको, लेकिन 24 जनवरी का तो मैंने बता दिया आपको, 25 जनवरी एक और डेट है जो कि इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। राष्ट्रीय मतदाता, याद रखिएगा मतदाता दिवस, ये हर साल 25 जनवरी को 2020 को ये 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसका। क्योंकि मैंने आपको 24 का तो बता ही दिया जनवरी का, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और ये 10वां संस्करण इसका सेलिब्रेट किया जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो है इसकी स्थापना दिवस जो है सन 1950 से की गई थी, किसकी, तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में, उसके बिहाफ में ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हर साल, ठीक है दोस्तों। और इस दिन पहली बार 2011 में मनाया गया था इसको, किसको, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था।
उसके अलावा चुनावी प्रक्रिया को लेकर प्रोत्साहित करना, लोगों में जागरूकता फैलाना इसका मेन उद्देश्य था। इनकी कोई संदेह नहीं है कि वह वोट का अधिकार भारत के लोकतंत्र का मानने का भी दिन होता है, ये बताया गया है इसके अधीन में। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिएगा, इतना सारा क्वेश्चन यहाँ से आपको अप टू डेट होगा यहाँ से। और 26 जनवरी, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा गणतंत्र दिवस है, इस दिन संविधान लागू किया गया था सन 1950 में ही। ठीक है, तो ये 3 दिवस जरूर याद रखिएगा, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में किस देश को रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है? बिल्कुल, देखिए आंसर क्या करना है अपने को यहाँ पे दोस्तों, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे म्यांमार। ओके, म्यांमार को अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों को नरसंहार रोकने एवं उन्हें उचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के आदेश से यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के म्यांमार सरकार को वर्ष 1948 में, जी हाँ 1948 के नरसंहार समझौते का एक पालन करते हुए रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे हमलों और रोकने के लिए इसको त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। और ये 1948 का संयुक्त राष्ट्र नरसंहार समझौता है जो कि नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों के नरसंहार के बाद लागू किया गया था। याद रखिएगा किसके, तो नाजी है ना, नाजी जर्मनी, ये जर्मनी में इन लोगों पे भी ऐसे अत्याचार हुए थे, नरसंहार किया गया था इनको, उसके बाद ही ये जो लागू किया गया 1948 में, किस कहाँ पे, तो म्यांमार में। ओके, तो आंसर यहाँ पे इतना नोट कर लीजिएगा। अब देखिए कैपिटल सिटी पूछ सकता है यहाँ पे म्यांमार का, तो आपको पता होना चाहिए, तो नेपिता नोट कर लीजिएगा, इसका कैपिटल है नेपिता। ठीक है, ये इसका कैपिटल है किसका, म्यांमार का। अब यहाँ की करेंसी क्या होती है, तो यहाँ की करेंसी होती है दोस्तों कयात, नोट कर लीजिएगा, एक कयात में कितनी रुपीज होती हैं भारत की, तो ये 0.49 पैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ की करेंसी एक कयात में कितने पैसे होते हैं, तो 0.49 पैसे होते हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम भी जानना चाहिए आपको, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, तो ये है दोस्तों विन, नोट कर लीजिएगा इनका नाम विन मिंट। ठीक है, क्या नाम है इनका, विन मिंट, ठीक ये नाम है इनका। तो आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी जानकारी हो गई होगी यहाँ से आपको। अब अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में भारत के किस देश ने घोषणा की है कि बर्थ टूरिज्म के नाम पर दूसरे देशों से आने वाले गर्भवती महिलाओं पर रोक लगाने के लिए नई पाबंदियों का ऐलान किया गया है? तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे अमेरिका, नोट कर लीजिएगा। और अमेरिका जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए, अमेरिका ने उन गर्भवती महिलाओं को अपने देश में आने को मना किया है जो कि यहाँ पे बर्थ लेकर और उनको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, जिसके लिए ये पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, ध्यान दीजिएगा है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ये याद रखेंगे। और यहाँ की कैपिटल क्या होती है, तो कैपिटल होती है दोस्तों वाशिंगटन डीसी। ठीक, करेंसी तो डॉलर, सभी को पता होगा यहाँ पे $1 बराबर 71.34 रुपया है अभी भारत का। ठीक है, $1 के बराबर है। ओके, तो ये यहाँ का दोस्तों जानकारी हो गया। और यहाँ यूएसए जो है, जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, तो कनाडा भी जुड़ा हुआ है यहाँ से, तो कनाडा की यहाँ पे अगर आपसे पूछ दे कि कैपिटल क्या है, तो ओटोवा, नोट कर लीजिएगा है ना, ओटोवा, तो यहाँ से लिख लीजिएगा इसको भी। ओके, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, कि हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि बर्थ टूरिज्म के नाम पर दूसरे देशों से आने वाली गर्भवती महिलाओं पर रोक लगाने के लिए नई पाबंदी का ऐलान किया है, तो अमेरिका ने किया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इस राज्य में 644 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया है? चलिए आंसर जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल अगर आप उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, आपका उत्तर आएगा दोस्तों इट्स असम। ओके, नोट कर लीजिएगा, आंसर डी हो जाएगा अगर आप उत्तर डी कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन ये है
कि देखिए, अब मैं आपको क्लियर थोड़ा कर देना चाहता हूँ इसके बारे में कि असम में 8 प्रतिबंधित संगठनों के करीब 644, है ना, 644 उग्रवादियों ने 177, ये न्यूज़ के मुताबिक बता रहा हूँ, 177 हथियारों के साथ मुख्यमंत्री हैं यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल, उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। और इनमें उल्फा, जो कि उल्फा, NDFE, RNLF, KLNO, CPI, जो कि माओवादी हैं सब, और ये NSLA, ADF और NLFB के सदस्यों ने एक कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया है। और उग्रवादियों ने जिन हथियारों को सौंपा है उसमें AK-47, AK-56 जैसे कई अत्याधुनिक हथियार भी पाए गए हैं। अब ये जो जितने संगठन के हमने नाम बताए, इन सभी का नाम एक बार फिर से आप लोग लिख लीजिएगा। एक है दोस्तों उल्फा, है ना, उल्फा। एक है दोस्तों आपका NDAF, NDAF, ठीक है। एक है आपका RNLF, RNLF, ठीक है। और एक है आपका KLO, KLO, ठीक है। और एक है CPI, CPI, है ना, ये लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये सारी चीज़ें PDF नहीं मिलेगी। और एक है दोस्तों NSLA, NSLA, है ना, NSLA। और ADF, ADF, ADF। और एक है दोस्तों आपका NLBF, NLBF, ठीक। और इन सभी ने, देखिए यहाँ पे कितने, सात, है ना, सात ऐसे संगठन हैं, आठ एक्चुअली है, उल्फा भी है, ठीक है। तो आठ ऐसे संगठनों ने करीब 644 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, ठीक है, तो 177 हथियारों के साथ, और ये बहुत ही अत्याधुनिक हथियार पाए गए हैं यहाँ के, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन और क्या रिलेट कर से पूछ सकता है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। असम का CM बोला तो सर्बानंद सोनोवाल आपको याद होना चाहिए। गवर्नर अगर यहाँ पे पूछ ले कौन है, तो जगदीश मुखी, याद रखिएगा, जगदीश मुखी हैं यहाँ के गवर्नर, ओके। और कैपिटल क्या होती है यहाँ की, तो कैपिटल है दोस्तों यहाँ पे दिसपुर, ये भी आपको याद रखना होगा। और ये जो असम है, ये भारत का एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ओके। तो ये इतनी सारी चीज़ें डिटेल आपको याद होनी चाहिए। और ये हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। और ये असम जो है आप देख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, ये देखिए असम का ये पूरा मानचित्र है, जो कि इसमें अगर देखा जाए तो भूटान एक इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है, भारत का अरुणाचल प्रदेश टच करता है, और इधर से बांग्लादेश और इधर से मणिपुर भी इसके भौगोलिक क्षेत्र से इसको टच करते हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र के बाद अब किस राज्य सरकार ने भी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाने का अनिवार्य कर दिया है। देखिए अभी कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने हर विद्यालय में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, कल का जो वीडियो है वो देखिएगा, है ना, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में एक पाठ्यक्रम शुरुआत की है जिसका नाम है दोस्तों संविधान, नोट कर लीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। और अब इसके अलावा दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य है जिसने इसको शुरू किया है, तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश, नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में सर्कुलर जारी कर दिया है कि जितने भी शासकीय विद्यालय हैं वहाँ पे हर शनिवार को संविधान की प्रस्तावना का पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया। इसके पहले इसी तरह का आदेश महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया था। सरकार का कहना था कि वहाँ पे देखिए 26 जनवरी से सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य करने के रूप में इसको लिया जाए, और संविधान की प्रस्तावना का पाठ हर दिन सुबह की प्रार्थना के बाद किया जाए। ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। तो अब रही बात यहाँ पे दोस्तों कि मध्य प्रदेश से भी जुड़ी हुई कुछ तथ्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, तो मध्य प्रदेश तो यहाँ पे आंसर हो ही जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ओके। अब ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, और ये है यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन जी, ठीक है, इतना याद रहेगा आपको, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लालजी टंडन है यहाँ के गवर्नर और ये है मुख्यमंत्री। कैपिटल क्या होती है, तो ये भोपाल होती है यहाँ पे कैपिटल, ओके। चलिए हाल ही में किस देश ने, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली ब्लास्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण फिर से किया है, तो ये पाकिस्तान की है गजनवी,
ठीक है, याद रखिएगा पाकिस्तान ने ये परीक्षण किया है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गजनवी एक हाइपरसोनिक और सतह से सतह मार करने वाली ब्लास्टिक मिसाइल है। गजनवी मिसाइल का जो डिफेंस परिसर में इसका विकसित किया गया है, यह मिसाइल करीब 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना कर सकते, कितना तो 290 किलोमीटर तक के, ठीक है। अब इसका जो है विस्तार किया जा रहा है, इसके अलावा ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है, कौन तो गजनवी, ठीक है। अब देखिए कुछ रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में आपको, जो कि यहाँ के मुख्य माफ कीजिएगा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं कौन तो इमरान खान, और जो भौगोलिक क्षेत्र से अगर हम देखें पाकिस्तान का, तो इसकी जो दक्षिण में भारत का कुछ क्षेत्र आता है, उत्तर में भी भारत का क्षेत्र है, और उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम की बात करें तो अफगानिस्तान से इसका बॉर्डर लगता है और कुछ ईरान से भी इसके बॉर्डर लगते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका भौगोलिक है हुआ। और यहाँ का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, ये आप याद रखिएगा इस्लामाबाद है, और यहाँ की जो करेंसी है वो एक पाकिस्तानी करेंसी जो रुपी होती है, एक पाकिस्तानी रुपी जो होती है वो भारत के 46 पैसे के बराबर है, ओके। चलिए इतना हो गया, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एयर पोकैलिप्स रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कितने भारतीय शहरों को वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बताया गया है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब आपको बता दें कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इसको लिख लीजिएगा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के शामिल करीब 287, जी हाँ 287 भारतीय शहरों में से करीब 231 शहरों को वायु प्रदूषण के उच्च स्तर में बरकरार रखा गया है। अब सोचिए 287 में 231 ऐसे शहर हैं जो कि वायु प्रदूषण के चपेट में हैं, और इन शहरों में PM10 की मात्रा जो है राष्ट्रीय मानक में 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर बताई जा रही है, ये बहुत ही घातक हो सकता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार कोयला खदानों के लिए मशहूर झारखंड का झरिया सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बताया गया है, तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा, आंसर डी हो जाएगा, ओके नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि देखिए अब झारखंड से वहाँ पे क्वेश्चन था, झरिया का मैंने नाम लिया, तो झारखंड की राजधानी होती है दोस्तों याद रखिएगा रांची होती है, ठीक है, और यहाँ पे जो कैपिटल रांची हो गई, यहाँ के CM कौन है अभी, तो हाल ही में यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं हेमंत सोरेन, ये भी याद रखिएगा, है ना, हेमंत सोरेन। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है जी, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही इनको शपथ दिलाई है हेमंत सोरेन को, तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि झारखंड के नए गवर्नर कौन है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ की, हाल ही में किस वायसराय के कारण चीन के वुहान शहर में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो देखिए यात्रा पर प्रतिबंध लगा है ये कोरोना वायरस के चलते लगा है, आंसर अपना ए कर लीजिएगा। कोरोना वायरस क्या है दोस्तों, तो देखिए एक ऐसा बुखार है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आप की छींकने से मात्र से दूसरों को छींक में, जैसे अगर सामने छींकते हैं तो उनको भी ये बीमारी जा सकती है, यानी कि संक्रमित है ये बीमारी, और कोशिश तहत चीन ने अपने मुख्य शहर वुहान को पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि वुहान से ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे केसेस मिले हैं, अभी तक यहाँ पे करीब 9 से 10 लोगों की मरने की भी खबरें हैं, और करीब 287 लोग ऐसे हैं जो कि इसकी चपेट में हैं। कोरोना वायरस का एक प्रकार का जो है एक सामान्यतः स्तनधारियों में श्वसन तंत्र से प्रभावित करने वाला एक बीमारी है, इसमें मानव भी शामिल हो सकता है, एक्चुअली है, हो सकता नहीं है, मानव भी शामिल है, और इसका जो मुख्य कारण बताया जा रहा है ये जानवरों से बताया जा रहा है, क्योंकि एक जो कोरोना का जो टाइप था ये अभी तक 6 प्रकार के कोरोना वायरस प्राप्त हुए हैं, और ये अगर नया मिलता है तो ये 7वां वायरस मिलेगा, ठीक है, और 6ठा वायरस जो था कोरोना, 6ठा वायरस जो था इसका टाइप जो था, इस तरह से कह सकते हैं, तो ये 6ठा वायरस बिल्लियों से मिला था, इसको हम लोग क्लॉक्स या कालसा कहते हैं उसको, ठीक है, नाम पूरा या ध्यान नहीं आ रहा है इस चीज़ का, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, वो बिल्लियों के चलते ही ये वायरस कोरोना फैला था, जो कि इसका 6ठा टाइप बताया गया था, लेकिन ये 7वां टाइप अभी पकड़ में नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पे
ये जो कोरोना वायरस के चलते लोगों की वहां पर मृत्यु हो रही है, जिसके चलते वुहान शहर को बैन कर दिया गया वहां पे आवागमन के लिए भी और वहां पे टूरिज्म के लिए भी। ओके, तो याद रखिएगा इतनी सारी चीजें। चलिए अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि ये जो हमारे हैं जिनपिंग, जो कि यहाँ के क्या होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, आप याद रखेंगे ठीक है। और ठीक है, और ये अगर हम देखें भौगोलिक दृष्टि से तो भारत जो है दोस्तों इसके दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिम में है, और ऊपर मंगोलिया है, और नीचे म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस और साउथ कोरिया जो है इसके पूरब में है ठीक है। तो ये इस तरह का इसका भौगोलिक है। चाइना की राजधानी बीजिंग होती है, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे बता दें दोस्तों कि करेंसी जो है ये युआन रेनिम्बी है, क्या है, युवान लिख लीजिएगा ठीक है, युवान रेविनी है। ये कितना होता है तो भारतीय करेंसी में 10 रुपया 38 28 पैसे ये वैल्यू है इसकी, एक रियान, एक युवान की ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट जिनपिंग है, ये याद रखिएगा। और ये ईस्ट एशिया का सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ा कंट्री है, जहाँ की जनसंख्या अभी 1.428 बिलियन हो चुकी है। ओके चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है कि नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2020 में कौन सा देश सम्मानित अतिथि होंगे। तो दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 में जो सम्मानित अतिथि होंगे वो होंगे दोस्तों कहाँ से, तो ये होंगे फ्रांस से ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और ये कौन होंगे, तो इमैनुअल मैक्रोन होंगे जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कैपिटल क्या होती है दोस्तों फ्रांस की, तो याद रखिएगा पेरिस होती है ठीक है, याद रखेंगे हम लोग ठीक है। देखिए फ्रांस विल बी द गेस्ट ऑनर ऑफ द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर जनवरी 2022 ठीक है, 2022 की बात हो रही है। और ये अनाउंसमेंट किया गया है फ्रेंच एम्बेसडर के द्वारा, इमैनुअल लेनिन के द्वारा। चलिए ठीक है, यहाँ पे इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। और यहाँ पे जो यहाँ के पीएम है वो है इमैनुअल मैक्रोन, कैपिटल है पेरिस, और यहाँ की करेंसी क्या होती है दोस्तों, तो यूरो होती है ठीक है, 1 यूरो बराबर 78.63 पैसे हैं भारतीय ठीक है, याद याद रखेंगे आप लोग ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ से, और ये हैं यहाँ के प्रधानमंत्री कौन, तो इमैनुअल मैक्रोन। ओके तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, हमारे साथ आप जुड़े रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके जरूर बताइएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और इसका जो PDF है वो आपको वाइट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। और सुबह के 10 बजे इसके बाद का जो वीडियो है, 10 बजे आपको जनरल साइंस से रिलेटेड है, वो वीडियो जरूर अटेंड करें, क्यूज जरूर देखें उसका। ओके चलिए बाय बाय।